हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। ठंड आ गई है और ठंड में पराठे खाना तो बनता ही है, सो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेथी के पराठे की ये शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लगभग 200 ग्राम फ्रेश मेथी, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और साफ़ पानी से धो लिया है। अब हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक चाकू या कैंची की हेल्प से कट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 बड़ी कटोरी आटा। अगर आप छोटी कटोरी से नापते हैं तो ये 3 कटोरी आटा है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये मेथी ली है जिसको कि मैंने बिल्कुल बारीक कट कर दिया। ये 200 ग्राम मेथी है। ये 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। मिर्ची कम या ज़्यादा अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियों का पेस्ट बना लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस आटे के अंदर डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा जिसको कि हम हाथ में हल्का सा क्रश करके फिर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर डालेंगे हम एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से मेथी के पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, वो है बेसन। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून फुल भर के ऐड करेंगे। अगर आप छोटी स्पून लेते हैं तो वो आपको 3 टेबल स्पून भर के डालना है। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है फुल। आप 3 से 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं अगर आप छोटी स्पून लेते हैं तो। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और मेथी। हम इन सबको एक साथ इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमें कभी भी आटे में एक साथ नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा नीड के अकॉर्डिंग डालना होता है। और ख़ास तौर पे जब हम किसी स्पेशल चीज़ के पराठे बनाते हैं, चाहे वो मेथी हो, मूली हो, आलू हो, पालक हो, कुछ भी हो, क्योंकि पालक और मेथी के अंदर ऑलरेडी नमी होती है, इसलिए हमें पानी बहुत ही केयरफुली डालना होता है। इसमें पानी थोड़ा कम ही लगता है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाए और आटे को गूंथते जाए। ये देखिए मैंने आटा गूंथ कर बिल्कुल रेडी कर लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें आटे को बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, वरना हमें पराठे बेलने में प्रॉब्लम होगी। ये बहुत जल्दी नमी छोड़ता है, बहुत ज़्यादा नमी छोड़ता है क्योंकि इसके अंदर मेथी है। पराठे को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं, बट पर्सनली मुझे मेथी के पराठे ऑयल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ऑयल लिया है यहाँ पर। आपकी जो चॉइस आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब हमें सबसे पहले आटे की एक छोटी सी लोई बनानी है। लोई छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप कितना मोटा या कितना पतला खाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी साइज़ की लोई बनाई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इस पर सूखा आटा लगा देंगे और इस तरह से थोड़ा सा राउंड कर देंगे, इसको चपटा कर देंगे, इसको फ्लैट कर देंगे फिंगर्स की हेल्प से। उसके बाद हम इसे गोल गोल बेलेंगे। मैं आपको 3 तरीके से पराठा बनाना बताऊंगी कि आप कौन कौन से शेप पराठों को दे सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। अब मैं इस पर थोड़ा सा और सूखा आटा लगा रही हूँ। देखिए मैंने इसको सर्कल में बेल लिया है। अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ऑयल। अब इसे फिंगर्स की हेल्प से पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। अब हमें एक साइड से इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी सेम उतना ही फोल्ड करना है।
और बाकी एक तरफ इस तरह से लेके चारों तरफ से हमें इसको प्रेस कर देना है, और जो इसका खुला वाला मुंह है इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये खुले ना। ये देखिए हमें फिंगर्स की हेल्प से इसे अच्छे से प्रेस कर देना है चारों तरफ से। हमें इसे स्क्वायर शेप देना है बिल्कुल एक जैसा। अब आप इस पर सूखा आटा लगाकर इसको बेलन की हेल्प से बेल सकते हैं। ये देखिए मैंने पराठे को स्क्वायर शेप में बेल लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है और हमारा पैन भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पराठे को उस पैन के अंदर डाल देंगे। इसको एक साइड से हल्का सा सिकने देंगे। देखिए हमारा पराठा एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे और इसके ऊपर ऑयल या घी अप्लाई करेंगे। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बटर में भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसकी दूसरी साइड से पलट देंगे और दूसरी साइड भी हमें इसके ऊपर ऑयल या घी अप्लाई करना है। मैंने इसके दोनों साइड अच्छे से ऑयल लगा दिया है। हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं हमारा पराठा जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुका है। ये कितना सुंदर, कितना क्रिस्पी लग रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी पराठा बनाने का। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पराठे को गोल शेप में बेल लिया है। उसके ऊपर अब हम सबसे पहले ऑयल अप्लाई करेंगे। उसे भी हम फिंगर्स की हेल्प से पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। उसके बाद हमें इस पराठे को बराबर हिस्सों में इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद दूसरे हिस्से को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिंगर्स की हेल्प से इसके जो पॉइंट्स हैं उनको प्रेस करना है अच्छे से। पूरे पराठे को हमें अच्छे से प्रेस करना है उंगलियों की हेल्प से। उसके बाद हमें इसे सूखा आटा लगाकर इसके ऊपर इसको बेलन की हेल्प से बेलना है। अब हमें सेम वही प्रोसेस दोहरानी है जो हमने स्क्वायर शेप वाले पराठे में दोहराई थी। हमें इस पराठे को ट्रायंगल शेप देना है। ये देखिए मैंने पूरा पराठा रेडी कर लिया है, इसे ट्रायंगल शेप दिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे भी पैन के ऊपर डाल देंगे और उसकी एक साइड को अच्छी तरह से सिकने देंगे। उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए इसकी एक साइड सिक चुकी है, मैंने इसको पलट दिया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई करेंगे। अब इसे वापस पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड पर भी ऑयल अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पराठा जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी पराठा बनाने का। वो ये है कि हमें कोई शेप ही नहीं देना है, हमें सिर्फ सर्कल शेप ही रखना है, इसे कोई स्पेशल शेप नहीं देना है। हम ऐसे भी पराठे को बना सकते हैं, सिर्फ हमें राउंड राउंड रोटी बनानी है जैसे कि हम रोज़ बनाते हैं, और उसके दोनों साइड से उसके ऊपर ऑयल या घी को अप्लाई करना है। और उसे भी अच्छी तरह से सिकने देना है दोनों साइड से। इसे बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हमें इसमें किसी तरह का कोई शेप ही नहीं देना होता है, नॉर्मल रोटी की तरह ही हमें इसे बेलना होता है। ये देखिए हमारा पराठा जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने आपको तीन तरीके से पराठा बनाना बताया है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो आप उसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये छोटी सी मेथी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आपको मेरी अदर रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू। और हाँ, आप इन गर्मा गर्म मेथी के पराठों को टोमेटो केचप या टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।